नमस्कार छात्रों, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भर्ती होगी कल से। 7 जिलों में 48 केंद्रों पर 1.46 लाख लगभग अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कल से शुरू होने वाली एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षाओं के लिए ये प्रावधान लागू किए गए हैं और 1.46 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नमस्कार साथियों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा कल से शुरू हो रही है, जिसमें 1.47 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये परीक्षा 7 जिलों में 48 केंद्रों पर लगभग एग्जाम होंगे। और इसके अलावा कल से GNM और ANM के भी एग्जाम है। और इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रावधान लागू किए गए हैं, उन प्रावधानों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, नहीं तो आपको एग्जाम सेंटर पर प्रवेश नहीं देने देंगे। तो ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 दिन में 3 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 व 4 फरवरी को होगी। 3 फरवरी को तो संविदा नर्स GNM और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM भर्ती परीक्षा होगी, और 4 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इन सभी परीक्षाओं में लगभग 2.37 लाख अभ्यर्थी भाग आजमाएंगे। सबसे अधिक अभ्यर्थी जो है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 1.47 लाख, और GNM भर्ती के लिए 71,000 है, और ANM भर्ती में 18,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा केवल जयपुर में होगी, और संविदा नर्स भर्ती परीक्षा जो है जयपुर अजमेर दोनों में होगी, और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा है वो जयपुर से सहित 7 जिलों में आयोजित होगी। ठीक है साथियों, ये है। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रावधान लागू किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 2.50 × 2.50 सेंटीमीटर का खुद का रंगीन फोटो साथ में लेकर जाना, जो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष याद रखना है। फोटोग्राफी की जो है सॉफ्टवेयर से भी जाँच होगी, तो इसमें वो सही होना चाहिए। और प्रवेश से पहले सख्ती से जांच होगी। फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित होने पर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, ये विशेषकर याद रखना है। और ई प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी आपकी। ठीक है, तो ई प्रवेश पत्र, रंगीन फोटो और कोई भी एक अन्य ID जो आधार कार्ड होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में जन्म तिथि अंकित होना भी साथ में जरूरी है, और अगर आधार कार्ड नहीं होता है तो विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र से कोई से मिलान किया जाएगा। तो आपका ई प्रवेश पत्र, रंगीन फोटो जो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2.50 × 2.50 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए इसे, और एक आधार कार्ड आपका जरूर होना चाहिए जिसमें जन्म तिथि पूरी की पूरी अंकित होनी चाहिए। ये है नए प्रावधान जो इस भर्ती परीक्षा के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, तो कृषि पर्यवेक्षक ANM GNM तीनों परीक्षा होने जा रही है 3 फरवरी और 4 फरवरी को। ये इन विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें, और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड ऑफ लक, अच्छी तैयारी करके जाए और अच्छा एग्जाम देकर आए। मैं कामना करूंगा कि आपकी जो एग्जाम है वो अच्छे से हो जाए और आप इसमें सफल हुए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।